नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, नव भारती स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हमने आज तक जो पढ़ा वो पढ़े थे मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशनों को याद करने की कुछ ट्रिक हमने यहाँ पे पढ़ी थी। लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बहुत छोटी चीजें पढ़ेंगे। उस छोटी चीज को पढ़ने के बाद, जैसे मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, इन चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक समझने का विषय है, रटने का नहीं है। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का क्षेत्र, एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है? तो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है, मनोविज्ञान की प्रकृति है वो कैसी है, इस तरीके की तथ्यात्मक प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं। वो सिर्फ ऐसे आते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, सत्य और असत्य, इस तरीके के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन वाली कंडीशन होती है। उस कन्फ्यूजन वाली उस स्थिति को क्लियर करते हुए आज हम यहाँ एक एक चीज को देखिए स्टूडेंट, बहुत छोटी वीडियो में मैं आपको दोनों चीजें, क्षेत्र और प्रकृति, दोनों ही 5-7 पॉइंटों में आपकी क्लियर करने वाली हूँ। तो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो किस तरीके का है, आज हम इसकी जानकारी लेकर के यहाँ उपस्थित हैं। तो हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान उन जीव विज्ञानों में से एक है। मनोविज्ञान उस जीव विज्ञानों में से एक है जिसमें जीव के किसी ना किसी पक्ष का अध्ययन करते हैं। किसी ना किसी वातावरण में प्राणी के व्यवहार व अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है और उसे समझने का प्रयास जो किया जाता है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर हम यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना ही विस्तृत है, इतना ही विशाल है जितना हमारी जिंदगी का क्षेत्र है। हमारे जीवन का जितना बड़ा एरिया है उतना ही बड़ा किसका है, मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना हमारी जिंदगी को जीने की कलाओं को समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज तक पहले जो वीडियो बताई थी उनमें हम बार बार एक ही बात सुनते हैं, बोलते हैं, सीखते हैं कि साइकोलॉजी है वो हम समझ के पढ़ेंगे, उसकी नींव हम अच्छी लगाएंगे तो हम 100% अपनी जिंदगी को भी सफल बना पाएंगे। स्टूडेंट्स, कोई जरूरी नहीं होता कि वैसे साइकोलॉजी को प्रत्येक क्षेत्र में, साइकोलॉजी का क्षेत्र इतना बड़ा है कि प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से प्राणी और मानवों के व्यवहार को जानना, सोचना, समझना बहुत जरूरी है जिससे हम आगे की प्रक्रियाओं को सक्षम बना पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो इतना है जितना हमारी जिंदगी का क्षेत्र होता है। और मनोविज्ञान की प्रकृति है वो कैसी होती है? तो स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो एक तरीके से सत्य की खोज, जैसे विज्ञान में सत्य की खोज की जाती है, ठीक उसी प्रकार मनोविज्ञान भी सत्य की खोज पर टिका हुआ है। स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान की प्रकृति को जानने से पहले हम मनोविज्ञान की कुछ अच्छी चीजें कि मनोविज्ञान कितने प्रकार का होता है, मनोविज्ञान को दो प्रकार में डिवाइड किया है। कैसे? सैद्धांतिक मनोविज्ञान और व्यावहारिक मनोविज्ञान। पहला जो मनोविज्ञान है वो सैद्धांतिक मनोविज्ञान है स्टूडेंट्स, और सेकंड मनोविज्ञान है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को माना गया है। मनोविज्ञान की प्रकृति यहाँ पर होती है, आज हम मनोविज्ञान की प्रकृति को हम यहाँ पर 5-7 पॉइंटों के अंदर इतना क्लियर कर लेंगे कि हमें साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान का क्षेत्र, प्रकृति और शाखाएं जब हम पढ़ लेंगे तो हमें अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पास होना ना होना वो एक अपनी एक क्रिया है, लेकिन हम लाइफ को जीने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार अपने आप को कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स,
मनोविज्ञान को व्यावहारिक विज्ञान के रूप में मान्यता मिल चुकी है। ये सभी को क्लियर हो चुका है उन 2-4-5 वीडियो में जो मैंने आज से पहले डाले थे कि मनोविज्ञान आज की 20वीं सदी के अंदर कैसा विज्ञान बन चुका है, व्यवहार का विज्ञान बन चुका है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बन चुका है, इसे मान्यता प्राप्त हो चुकी है। नेक्स्ट आता है, ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आधुनिक युग में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान की संज्ञा प्राप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान नियामक और विधायक विज्ञान है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम ध्यान से एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे तो हम प्रत्येक साइकोलॉजी के पार्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ बताया है कि मनोविज्ञान नियामक तथा विधायक। नियामक का मतलब होता है एक निश्चित विषय वस्तु बन चुका है, नियामक का मतलब होता है निश्चित विषय वस्तु, और विधायक का मतलब होता है जो तथ्य है वो जो कि क्यों होते हैं। मनोविज्ञान के अंदर जो तथ्य होते हैं वो जो कि क्यों होते हुए भी उसकी मनोविज्ञान की प्रक्रिया को जानना ही उसके मनोविज्ञान के नियामक एवं विधायक पार्ट को, विज्ञान को क्लियर करता है। मनोविज्ञान नियामक एवं विधायक यानी कि निश्चित विषय वस्तु पर जो कि क्यों उसके तथ्यों पर को जानते हुए एक वैज्ञानिक कला के माध्यम से किसी प्राणी जगत की चीजों को जानना और समझना ही मनोविज्ञान है। देखिए स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान में मानव, पशु अथवा पक्षी के व्यवहार का अध्ययन होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मनोविज्ञान एक प्राणी जगत पे जो किए गए प्रयोग या किए गए सैद्धांतिक सिद्धांतों के आधार पर प्रयोग। देखिए, हम कड़ी टू कड़ी यहाँ जोड़ते हैं कि सिद्धांत और अपना प्रयोग, कि जिन सिद्धांतों के माध्यम से किसी प्राणी जगत, प्राणी में पशु भी आते हैं, मानव भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, तो हम इनके जो प्रयोग हैं उनको किस तरीके से हम क्रिया रूप दे पाते हैं उस चीज का यहाँ अध्ययन है। मनोविज्ञान में मानव, पशु अथवा पक्षी के व्यवहार का अध्ययन होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है। अब ये तो कैसे होगा? यस, मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है क्योंकि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि विलियम्स वुंट ने अपनी पहली प्रयोगशाला कहाँ बनाई थी? पहली प्रयोगशाला लेप्ज़िग विश्वविद्यालय में, जिसे आज हम कार्ल मार्क्स के नाम से जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपको 100% याद रखना है कि इसको जो इसके पहले वो थे मनोविज्ञान के पहले उनको कहते हैं क्या नाम दे सकते हैं, विलियम्स वुंट जो थे उन्होंने पहली प्रयोगशाला बनाई, और वो कहाँ बनाई? जर्मनी के लेप्ज़िग विश्वविद्यालय में, जिसे आज हम कार्ल मार्क्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो लेप्ज़िग विश्वविद्यालय में जो प्रयोगशाला बनाई उसी में प्रयोग करते हुए हम किसी भी पक्षी पशु मानव के ऊपर कोई भी प्रयोग करते हुए हम उस चीज की भविष्यवाणी भी करना हमें संभव है, क्योंकि प्रयोग हमने पहले जब किया है तो कुछ आंकड़े हमने वहां से कलेक्ट किए होंगे, और प्रयोग करने से आंकड़े तो कलेक्ट होते ही हैं, उन आंकड़ों के आधार पर हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान है में भविष्यवाणी संभव है, ये सत्य है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सत्य और असत्य का ये क्वेश्चन यहाँ आपसे किया जाए कि मनोविज्ञान, क्या मनोविज्ञान में भविष्यवाणी संभव है, सत्य या असत्य? तो हम लिखेंगे सत्य, क्योंकि वाकई में मनोविज्ञान में प्रयोगों के माध्यम से कुछ आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, उनके माध्यम से हम भविष्यवाणी भी तय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत वस्तुनिष्ठ, वैध एवं प्रामाणिक है। 100% स्टूडेंट्स, ये सही बात है कि मनोविज्ञान के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सिद्धांत हैं वे वस्तुनिष्ठ यानी कि एक प्रॉपर विषय वस्तु के ऊपर, वैध यानी कि उनके ऊपर किया गया कार्य वैध है, और वो इस दोनों चीजों की प्रक्रिया होने के कारण वो प्रामाणिक भी माने गए हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, विज्ञान की भांति इसकी अध्ययन सामग्री कैसी होती है? स्टूडेंट्स, क्रमबद्ध तरीके से होती है। विज्ञान की तरह मनोविज्ञान की अध्ययन सामग्री पूर्ण रूप से क्रमबद्ध होती है। नेक्स्ट आता है, विज्ञान की तरह इसमें भी सत्य की खोज की जाती है। हम किसी भी प्राणी, पशु, पक्षी, मानव, किसी पे भी हम अपना अगर ये
कौन सा विषय माना गया है? मनोविज्ञान। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन को एकदम क्लियर आपको किया है कुछ वीडियो में, और इस वीडियो को आप अगर 100% पूरा देखते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चनों को, वो आपका टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, किसी भी तरीके की, और मनोविज्ञान तो प्रत्येक क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ चुका है, तो हर क्षेत्र में इन चीजों का अध्ययन हमारे अंदर अगर होगा, और कोई नहीं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अध्ययन नहीं, हमारी जिंदगी जीने के लिए भी अगर हम इसका अध्ययन करते हैं और इसका कहते हैं क्रमबद्ध तरीके से जब हम अध्ययन करते हैं तो अपनी लाइफ को भी हम चेंज कर पाते हैं। आज की वीडियो में क्या हमने पढ़ा? मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो हम मनोविज्ञान की शाखाएं जो 17 प्रकार की बताई गई हैं उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित होंगी। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नव भारती स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। वीडियो पर इसी तरीके से मेरे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते रहेंगे तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आगे अपने कार्य में कार्यरत